बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो अलग अलग गाड़ियों से लगभग 3 लाख रुपए समेत 3 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया है। मैथन चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पैसे जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता समामा औसाल हमसे जुड़ चुके हैं। समामा, ये खबर आ रही है कि रुपयों के साथ अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है, और जैसे कि चुनाव का वक्त है, आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, ऐसे में वाहन जांच के दौरान पैसे पकड़े जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या जानकारी है पूरी? जी, इसमें सबसे पहले तो बता दूं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर ही जिला भर के जितने भी बॉर्डर जो पश्चिम बंगाल या बिहार से जो जुड़ते बॉर्डर है, उन सारे बॉर्डरों पे वाहन जांच का अभियान चलाया गया, ताकि किसी भी तरह के पैसे के या मादक पदार्थ या शराब या इस तरह के हथियार किसी तरह के मतलब कोई ला न सके। उसी जांच के दौरान 3 अलग अलग गाड़ियों में जो है, एक गाड़ी में जो 1,76,000 मछली व्यवसायी हैं उनके पास से 1,76,000 रुपए जब्त किए गए, एक गाड़ी में 52,000 रुपए थे, और तीसरी गाड़ी जो धनबाद के ही कुछ युवक हैं उनके पास से 50,000 रुपए बरामद किए, जबकि एक और गाड़ी जो है वो स्थानीय चकुंडे की ही गाड़ी है, और उस गाड़ी से क्या नाम है उसका, वो 3 पेटी शराब जो है अंग्रेजी शराब पुलिस ने जब्त किया। हालांकि इस पूरे मामले में हालांकि एआरओ जो है, रिटर्निंग ऑफिसर, यहाँ के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वीडियो भी हैं मधु कुमारी, वो भी पहुंची मौके पर, एक्साइज विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं जितेंद्र सिंह वो भी पहुंचे, और पूरे मामले की जांच चल रही, गहन जांच चल रही है, और इस पूरे मामले की चुनाव में किसी तरह की कोई धांधली ना हो, किसी तरह की कोई इस तरह की बात नहीं आए सामने, इसको लेकर पुलिस जो है पूरी तरह से रेस हो चुकी है, और उसी रेस का नतीजा जो देखने मिला आज जो जांच के वाहन जांच के दौरान जो इस तरह के मामले इतने बड़े जो पैसे के जो है वो बरामद की हुई है, साथ में इसकी पूरी जांच की जा रही है। जी जी और कोई गिरफ्तारी इस पर हुई है? कोई कार्रवाई जो है कितने दूर तक बढ़ पाई है? गिरफ्तारी हाँ, जो वाहन मालिक है वो सभी पुलिस कस्टडी में ही है, गिरफ्तारी चूंकि पुलिस उसको नहीं दिखा रही है, चूंकि पैसे के मामले पैसे जब्त किए गए हैं, और जो शराब अंग्रेजी शराब है उसको जब्त करने का काम किया है पुलिस ने, और चूंकि सारे अलग अलग जो संबंधित विभाग है उनको सबको बुलाया जा रहा है, पुलिस ने अभी तक चूंकि ब्रीफिंग अभी कुछ देर बाद जो है एआरओ मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर जो तैनात है, जो वीडियो हमारे मधु कुमारी, वो प्रेस को ब्रीफिंग करेंगे और पूरे मामले की जानकारी देंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और क्या किस तरह का आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि ये मामला निरसा का है, जहां 3 लाख रुपए समेत 3 पेटी अंग्रेजी शराब एक वाहन जांच के दौरान जब्त किया गया है। हालांकि इस पर कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ निकल कर आएगा अपडेट्स देते रहेंगे।